आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप CSP चलाते हो, अगर आपका पासवर्ड आपको पता नहीं है या पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हो या पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, इसका सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में उस मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसको सबसे पहले देखेंगे। तो पासवर्ड अगर पता नहीं है तो सबसे पहले अपना KO कोड डालिएगा। KO कोड नहीं डालेंगे तो आपका फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन काम नहीं करेगी। KO कोड आपको डालना है। और अगर आपका पासवर्ड पता है तो आप उसको कैसे एक्सपायर हो गया है तो उसको आप कैसे चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पर मेन चीज वो दिखाऊंगा मैं। और दूसरा, अगर पासवर्ड पता नहीं है तो आप KO कोड डाल के फॉरगेट कैप्चर डाल के आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रिसेंट ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जो ऑप्शन एक्सपायर में आता है वही रिसेंट में आएगा। सिर्फ एक्सपायर में ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन रहता है और रिसेंट में ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मुझे पता है पासवर्ड, तो मैं कैप्चर डाल के लॉगिन बटन पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आता है यहाँ पर करेंट लॉगिन पासवर्ड, मतलब जो आपका पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड है उसको आपको डालनी है। न्यू पासवर्ड में न्यू पासवर्ड डालना है और कन्फर्म री इंटर पासवर्ड में भी आपको वही पासवर्ड, आपको न्यू जो बनाया है उसी को डालना है। और अगर आप पासवर्ड रिसेंट कर रहे हो तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड करेंट लॉगिन पासवर्ड वो आपको नहीं यहाँ पर मांगेगी, ठीक है, उसको नहीं चाहिए होंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में मेन फंडा है, बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप सबको सिलेक्ट करके यूज करेंगे, कुछ भी आपका काम नहीं करेंगे। आपका सिर्फ एक ही चीज काम करेगा, वो है आपका निक नेम। आपको सिंपली यहाँ पर अपना निक नेम सिलेक्ट करना है और आपका नाम का पहला जो वर्ड है उसको आपको यूज करना है। पहला वर्ड मतलब जैसे मेरा नाम है महाबुल आलम, तो यहाँ पर सिर्फ मैं महाबुल लिखूंगा कैपिटल लेटर में। अगर आपका नाम परेश बर्मन है तो परेश लिखिएगा, आपका नाम अगर अमरेश बर्मन है तो अमरेश लिखिएगा। तो पहले वर्ड को यहाँ पर लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो चुका है और नेक्स्ट जब लॉगिन करूंगा मुझे न्यू पासवर्ड से लॉगिन करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो किया है हमने प्रोसेस उसको आपको दिखाना भी हमें हमारा मतलब जरूरी है। तो फॉरगेट पासवर्ड और जो है एक्सपायर पासवर्ड सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ आपको फॉरगेट पासवर्ड में जो है आपको करंट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो करंट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना होता है, KO कोड डाल के पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर, जब तक आप फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं करेंगे तो आप अपने KO कोड पे लॉगिन हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ID जो है लॉगिन होता है, पूरा सिक्योर सिस्टम है। तो ये आपका डैशबोर्ड इस तरीके का होता है। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना था। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पासवर्ड को कैसे रिसेंट करें, तो यही है प्रोसेस। धन्यवाद, जय हिंद।